Morning students, welcome again to the online session of history class, class 9th. So we are today with question number 5. Explain what role women had in Nazi society. Return to chapter number 1 on the French Revolution. Write a paragraph comparing and contrasting the role of women in two periods. So Nazi society mein aurat ka kya darja tha, kya role tha? तो ये आपको बताना है. फर्स्ट चैप्टर में जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हमने पढ़ा था उसमें उसके साथ कंपेयर करके बताना है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में औरतों की क्या अहमियत थी और नाजी सोसाइटी में औरतों की क्या अहमियत थी. सो आंसर इज रोल ऑफ वुमेन इन नाजी सोसाइटी फॉलोड द रूल्स ऑफ ए लार्जली पैट्रियटिक और मेल डोमिनेंट सोसाइटी. पेट्राइटिक मीन्स मेल डोमिनेंट सोसाइटी, जहाँ पे मर्दों का ज़्यादा रोब चलता है. हिटलर हेल्ड वुमेन एज द मोस्ट इम्पोर्टेंट सिटीजन इन हिज जर्मनी बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट सिटीजन इन जर्मनी बट दिस वॉज ट्रू ओनली फॉर जर्मन वुमेन. ये सिर्फ जर्मन औरतों के लिए महदूद था. मदरहुड वॉज द ओनली गोल दे वर टॉट टू रीच फॉर दिस. उनके लिए सिर्फ औरतों का था कि वह सिर्फ माँ बने, बच्चे पैदा करें. द ओनली गोल टॉट फॉर द This was in stark contrast to the role of women in French Revolution, where women led movements and fought for rights to education and equal wages. तो वो जहाँ तक फ्रेंच रिवॉल्यूशन का सवाल है, वहाँ पे औरतों की जो मुहिम थी उन्होंने लड़ा था अपने हकों के लिए, और वो चाहती थी कि हमें एजुकेशन मिले और वो चाहती थी हमें इक्वल जो वेजेस हैं, तनख्वाह मिले जो मर्दों को मिलती है. They were allowed to form political clubs and schooling was made compulsory for them after the French Revolution. तो जो रोल औरतों का था फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, उन्होंने अपने हकों के लिए लड़ा और फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब ख़त्म हुई तो औरतों के लिए पढ़ाई, पढ़ना लिखना ज़रूरी बनाया गया. So that's for today. Have a nice day.